टीवीएस मोटर इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी, जिसके सस्ते मोपेड ने जहां एक गरीब को भी टू व्हीलर पर चढ़ने का मौका दिया, वहीं उनकी स्कूटी ने इंडियन वीमेन के बीच एक खास जगह बनाई है। टीवीएस मोटर ही वो पहली कंपनी है जिसने एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ किसी बाइक को इंडिया की सड़कों पर उतारा था, और उनकी अपाचे आरटीआर सीरीज ने स्पीड और परफॉर्मेंस का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया है। शुरुआती दिनों में यूके की क्लेटॉन और जापान की सुजुकी के साथ मिलकर इसने अपनी टेक्नोलॉजी को मजबूत किया था, लेकिन आज वही टीवीएस बीएमडब्ल्यू जैसी दिग्गज कंपनी के साथ मिलकर लाखों बाइक्स को सेल कर चुकी है, और इसने साल 2020 में नॉर्टन जैसी लेजेंडरी ब्रिटिश ब्रांड को खरीदकर अपने फ्यूचर के इरादे को भी बता दिया है। लेकिन नाम से विदेशी दिखने वाली ये कंपनी दरअसल साउथ इंडिया के एक गरीब लड़के के जुनून का नतीजा है, जिसकी शुरुआत से लेकर आज तक की दिलचस्प जर्नी को ही हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ये कहानी शुरू होती है 1877 में, जब तमिलनाडु के तिरुनेलवेली शहर में टीवी सुंदरम अयंगर का जन्म हुआ। उनके पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिखकर एक वकील बने, और टीवी सुंदरम भी उनकी बात मानकर वकालत करना शुरू किए, लेकिन हर पल उन्हें ऐसा लगता था कि कुछ बड़ा करना है। उनका मन वकालत में नहीं लगा, और फिर कुछ दिन रेलवे में काम करने के बाद वह बैंक में नौकरी करने लगे। लेकिन जिस इंसान की किस्मत में हजारों लोगों को नौकरी देना लिखा था, वह छोटी सी नौकरी में बंध कर कैसे रह सकता था। काफी सोच विचार के बाद आखिरकार उन्होंने नौकरी छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का एक मुश्किल फैसला लिया। देश की हवा तक अंग्रेजों की गुलाम थी, और भारतीयों को आगे बढ़ने के मौके ना के बराबर मिल रहे थे, और ऐसे में सरकारी नौकरी छोड़कर बिजनेस में कदम रखना काफी रिस्की था। लेकिन साल 1911 में उन्होंने टीवी सुंदरम अयंगर एंड सन्स के नाम से साउथ इंडिया की पहली बस सर्विस की शुरुआत की, और पहली बस मदुरई से देवकोट्टई के बीच लगभग 80 किलोमीटर के रूट पर चलाई गई। इस बस सर्विस की जो सबसे खास पहचान बनी वह थी इसकी पंक्चुअलिटी। कहा जाता है कि लोगों का भरोसा इस बस सर्विस पर इस कदर बढ़ गया कि वो अपनी घड़ी का समय तक बस की टाइमिंग के हिसाब से सेट करने लगे, और लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स ने उनको बस सर्विस से आगे बढ़कर सोचने के लिए मोटिवेट किया। फिर साल आया 1919, जब टीवीएस ने मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखा। मद्रास ऑटो सर्विस लिमिटेड और सुंदरम मोटर्स लिमिटेड के नाम से उन्होंने व्हीकल सेल्स एंड सर्विस और छोटे मोटे स्पेयर पार्ट्स के प्रोडक्शन का काम शुरू किया, और कुछ सालों बाद ही उन्हें जनरल मोटर्स का डीलरशिप भी मिल गया। इसके साथ ही टीवीएस ने टायर रिसाइकलिंग की एक फैक्ट्री भी शुरू की, जो फोर्ड और शेवरले के लिए बेल्ट भी बनाती थी, और इस तरह ऑटोमोबाइल के हर फील्ड में धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता गया। फिर 40s का वो दौर आया जब सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई, और मद्रास प्रेसिडेंसी में पेट्रोल की भारी कमी की वजह से उसके दाम में तेज उछाल आ गया। उस समय टीवी सुंदरम और उनके बेटे टीएस कृष्णा ने साथ मिलकर एक ऐसे चारकोल गैस प्लांट को डेवलप किया जो ऑटोमोबाइल इंजन को चला सकती थी। महंगे पेट्रोल का ये ऑप्शन लोगों को काफी पसंद आया, और देखते ही देखते उसकी 12,000 यूनिट्स बिक गई। साल 1955, टीवी सुंदरम की डेथ के बाद कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी उनके बेटों के कंधों पर आ गई, जिसे डाइवर्सिफाई करते हुए उन्होंने आज टीवीएस को 50 से भी ज्यादा कंपनीज का एक विशाल बिजनेस ग्रुप बना दिया है। $8.5 बिलियन रेवेन्यू वाला यह टीवीएस ग्रुप आज 60,000 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, और टीवीएस मोटर उसी विशाल ग्रुप का एक हिस्सा है जो अकेले $3.1 बिलियन का कंट्रीब्यूशन करता है। तो चलिए टीवीएस मोटर की आगे की कहानी जानते हैं। टीवी सुंदरम की डेथ के समय देश को आजाद हुए अभी कुछ ही साल हुए थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में हम काफी पीछे थे। लोगों को एक सस्ते टू व्हीलर की जरूरत थी। तब टीवीएस ने 1962 में यूके की एक कंपनी क्लेटॉन के साथ मिलकर ब्रेक्स, एग्जॉस्ट और कंप्रेसर जैसे ऑटोमोटिव पार्ट्स बनाना शुरू किया, और 1978 तक वो सुंदरम क्लेटॉन के नाम से पार्ट्स बनाते रहे। लेकिन सही मायने में टीवीएस के अच्छे दिनों की शुरुआत हुई 1980 में, जब सुंदरम क्लेटॉन ने तमिलनाडु की होसर प्लांट से इंडिया की पहली टू सीटर मोपेड टीवीएस 50 को लॉन्च किया। तब तक मार्केट में सिर्फ काइनेटिक की सिंगल सीटर लूना ही मौजूद थी। टीवीएस 50 को छोटे बिजनेसमैन और वेंडर्स ने खूब पसंद किया, क्योंकि सस्ता होने के साथ ही सामान ढोने के लिए इसमें ज्यादा जगह थी, और इसकी इम्प्रेसिव सेल्स को देखते हुए इसका अपग्रेडेड वर्जन टीवीएस एक्सेल को भी लॉन्च कर दिया गया, और इस तरह सुंदरम क्लेटॉन ने इंडियन मोपेड मार्केट में अपनी मजबूत पकड़ बना ली। लेकिन उनका रास्ता इतना आसान नहीं था, क्योंकि बजाज चेतक लोगों की पहली पसंद बनी हुई थी। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि इंडिया में टू व्हीलर मार्केट में रिवॉल्यूशन जैपनीज प्लेयर्स के साथ कोलैबोरेशन के बाद आया। लेकिन शायद ये आपको पता नहीं होगा कि जब भी टू व्हीलर मार्केट में कुछ नई शुरुआत हुई है तो उसमें टीवीएस का कंट्रीब्यूशन जरूर रहा है। दरअसल टीवीएस की सोच हमेशा फ्यूचरिस्टिक रही है। मोपेड और स्कूटर से आगे बढ़कर 100cc सेगमेंट की पहली कम्यूटर बाइक भी हमें टीवीएस ने ही दिया था। साल 1982, टीवीएस ने सुजुकी के साथ ज्वाइंट वेंचर में ISML की शुरुआत की, और इंडिया की पहली 100cc टू स्ट्रोक बाइक एंड सुजुकी AX100 को मार्केट में उतार दिया।
और इसके बाद ही इस सेगमेंट की पॉपुलर बाइक्स हीरो होंडा CD100, कावासाकी बजाज KB100 और यामाहा RX100 लॉन्च हुई थी। 90s में मोपेड की डिमांड अपने पीक पर थी, जिसकी वजह से TVS चैंप और XL मोपेड इंडिया की लार्जेस्ट सेलिंग व्हीकल बन गई। फिर TVS ने ISML में अपने मोपेड डिवीजन को भी ऐड करके इसका नाम TVS सुजुकी लिमिटेड कर दिया। TVS मोटर ने TVS रेसिंग नाम से एक अलग विंग्स की शुरुआत की, जिसका काम था बाइक्स की परफॉर्मेंस से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना और इम्प्रूवमेंट्स के लिए सही आइडियाज और सजेशंस देना। जब कस्टमर्स का इंटरेस्ट बाइक की तरफ बढ़ने लगा तो स्कूटर और मोपेड की डिमांड में तेज गिरावट देखने को मिली, लेकिन यहाँ भी TVS ने बिना समय गंवाए एक बिल्कुल अलग सेगमेंट की ही नींव रख दी और 1994 में TVS स्कूटी को लॉन्च कर दिया। TVS रेसिंग ने बेहतर डायनामिक्स और हैंडलिंग के साथ कई रिलायबल बाइक्स को डेवलप करने में मदद की, जिसका नतीजा ये हुआ कि 98 में इंडिया की पहली कैटालिटिक कन्वर्टर मोटरसाइकिल TVS शोगन और फर्स्ट 5-स्पीड मोटरसाइकिल TVS शाओलिन को लॉन्च किया गया। इसके अलावा सुप्रा और समुराई बाइक्स को भी लोगों ने खूब पसंद किया, लेकिन साल 2000 के आसपास होंडा की CBZ और बजाज की पल्सर 150 ने मार्केट ट्रेंड को बदलना शुरू कर दिया। यूथ में फास्ट और परफॉर्मेंस बाइक्स का क्रेज बढ़ने से TVS की मार्केट में पकड़ कमजोर होने लगी, इसलिए TVS मैनेजमेंट ने सुजुकी से अलग होकर अब इंडियन मार्केट के हिसाब से खुद बाइक्स को डिजाइन और डेवलप करने का फैसला किया। 2001 में सुजुकी से अलग होकर कंपनी का नाम TVS मोटर करने के बाद अपने दम पर फर्स्ट इंडिजिनस बाइक विक्टर को लॉन्च किया गया, जो एक 100cc की कम्यूटर बाइक थी, और उसके बाद 150cc सेगमेंट में TVS फेरो को मार्केट में उतारा गया। लेकिन पल्सर और CBZ को टक्कर देने के लिए जरूरत थी कुछ तूफानी करने की, और यहाँ काम आया TVS रेसिंग के सालों का एक्सपीरियंस, जिसे यूज करते हुए एक नई पावरफुल बाइक के डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। और फाइनली 2006 में अपाचे 150 RTR को मार्केट में उतार दिया गया। RTR यानी कि रेसिंग थ्रॉटल रिस्पॉन्स पेटल डिस्क ब्रेक्स के साथ अपने दमदार लुक्स और 13.5 BHP पावर के साथ लोगों के लिए यह एक यूनिक और अट्रैक्टिव ऑप्शन बन गई। आगे इस बाइक को अपग्रेड करके अपाचे 160, अपाचे 180 और अपाचे RTR 204B को भी लॉन्च किया गया, जो पहले से अधिक पावरफुल रिफाइंड और टेक्नोलॉजी रिच बाइक्स थी। साथ ही फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी और ड्यूअल चैनल ABS का ऐसा यूनिक फीचर भी ऐड किया गया जो अभी तक किसी बाइक में मौजूद नहीं थी। पावरफुल और क्विक एक्सेलरेशन की वजह से TVS अपाचे लोगों के बीच काफी पॉपुलर होने लगा, और साथ ही मजबूत बिल्ड क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी की वजह से ये बाइक पूरे भारत में खूब बिकने लगी। लेकिन कामयाबी का ये सिलसिला यही नहीं रुका। साल 2017 में BMW के साथ मिलकर TVS ने अपाचे RR310 को लॉन्च किया। BMW G310R पर बेस्ड इस बाइक में 312cc का इंजन है। वैसे तो TVS के पोर्टफोलियो में फिलहाल जुपिटर और N-Torque स्कूटर के साथ स्पोर्ट्स, स्टार सिटी, रेडॉन, राइडर और रोनिन जैसे और भी कई टू व्हीलर्स मौजूद हैं, लेकिन अपाचे मोटरसाइकिल को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। आज TVS दुनिया के 60 से भी अधिक देशों में अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट करता है, और अपने ग्लोबल फुटप्रिंट को बढ़ाने के लिए वो काफी अग्रेसिव तरीके से एक्विजिशन भी करना शुरू कर दिया है। साल 2020 में TVS मोटर ने 124 साल पुरानी एक फेमस ब्रिटिश ब्रांड नॉर्टन को एक्वायर किया था, जो प्रीमियम कैटेगरी की रेट्रो बाइक्स बनाने के लिए फेमस है। और दोस्तों, जैसा कि TVS के DNA में है, वो फ्यूचर को देख लेते हैं, इसलिए उनका फोकस अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कुछ ज्यादा ही है। TVS ने 21 में स्विट्जरलैंड की एक ई मोबिलिटी कंपनी इजियो मूवमेंट का 80% स्टेक $18 million में एक्वायर किया था, और उसके 4 महीने बाद ही दूसरी स्विस ब्रांड SEMG का 75% स्टेक भी $100 million में खरीद लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि TVS की इलेक्ट्रिक स्कूटर iQube ओला के बाद इंडिया की सेकेंड टॉप सेलिंग स्कूटर है, और अभी अगस्त 23 में ही एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS X को सिंगल चैनल ABS और 10.25 इंच की स्क्रीन के साथ लॉन्च किया गया है, जो फीचर अभी इंडिया के किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर में मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, इस तरह एक बस सर्विस जैसी छोटी सी शुरुआत से भी TVS सुंदरम की बड़ी सोच ने इतना विशाल बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। उम्मीद है कि आज की वीडियो में भी आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।